फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज दोस्तों मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने कोची और उसके आसपास वाली जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं। कल मैं निकलूँगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हैं मेरा कोची से लेके कन्याकुमारी वाला राइड। नेक्स्ट दोस्तों जो दो वीडियोज़ आएंगे वो इस लेक का लास्ट दो वीडियो होगा। उसके बाद मैं जो है रिटर्निंग जर्नी स्टार्ट करूँगा अपना कन्याकुमारी से रांची बैक। चलिए दोस्तों, यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से यहाँ से चलते हैं। मजी फुटेजेस के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो करीब 8:30 का टाइम हो चुका था और मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल पड़ा फोर्ट कोची बीच की ओर, जिसका डिस्टेंस करीब 4.5 किलोमीटर था मेरे होटल से। 7:30 का टाइम हो रहा था तो उसको देखते हुए ट्रैफिक थोड़ी कम होनी चाहिए थी, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। ट्रैफिक तो थी रोड पर, लेकिन जो क्लाइमेट था वो थोड़ा कूल एंड काम था, जिस वजह से बाइक चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा था सुबह सुबह। फाइनली मैं फोर्ट कोची बीच पहुँच गया। कोची में दोस्तों क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आपको चर्च बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसा कि ये सेंटा क्रूज कैथेड्रल बेसिली का चर्च है। इस तरह के बहुत ही खूबसूरत चर्च आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप कोची विजिट कर रहे हैं और फोर्ट कोची में अगर आपका बाथ लेने का प्लान है, नहाने का प्लान है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बीच के किनारे काफ़ी सारा कचरा आपको मिलेगा और जिस वजह से जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा गंदा आपको फील होता है। लेकिन जो व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया है। केरला में जो भी जो बीच एरिया है वो अरब सागर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मछुआरे भी मिलेंगे और जो कार्गो शिप्स हैं छोटे छोटे वो आपको आते जाते हुए नज़र आएंगे। अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको कोई शांत जगह चाहिए टाइम बिताने के लिए, तो ये फोर्ट कोची बीच आप ज़रूर विज़िट करिए। कोची में ज़्यादा विज़िट करने का मेरा प्लान नहीं था। मेरा मेन प्लान था केरला में बैकवाटर्स विज़िट करने का, जो हम यूजुअली एड्स में या फिर बुक्स में देखते आए हैं। तो बैकवाटर्स विज़िट करने के लिए मुझे जाना था एलेपी, जिसका डिस्टेंस करीब 60 किलोमीटर था कोची से। क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम था तो मैं आराम से एलेपी विज़िट करके वापस कोची आ सकता था, तो इसलिए मैं चल पड़ा एलेपी की ओर। और जो रोड का व्यू था वो बहुत ही सीनिक था, दोनों तरफ जो है समुंदर का जो पानी है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो रोड है यहाँ पे वो सिंगल लेन रोड है और बहुत ही बिजी रहता है, जिस वजह से आप ज़्यादा यहाँ पे स्पीड आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कहीं कहीं पे दोस्तों हो सकता है आपको पुलिस मिल जाए स्पीड गन के साथ, जो आती जाती गाड़ियों पर जो है नज़र रखती है कि कोई गाड़ी ओवर स्पीड तो नहीं कर रही है। तो अगर आप ओवर स्पीड करते हैं तो वो लोग आपको रोक करके आपको फाइन कर सकते हैं।
तो दोस्तों एलेपी में बैकवाटर्स घूमने के लिए बोट्स का जो ऑप्शन है वो आपको बहुत सारा मिलता है, जिसका मुझे नॉलेज नहीं था। तो सबसे पहले मैं गया हाउस बोट का रेट पता करने के लिए, तो उसका जो रेट था वो करीब 1500 रुपये था गवर्नमेंट रेट, और वहाँ पे लिख भी दिया गया है कि जो ब्रोकर्स हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट ना करें। तो 1500 रुपीज़ जो था वो मेरे लिए बहुत ही कॉस्टली था, क्योंकि अभी मुझे बहुत आगे का जर्नी करना था। तो अगर अब मैं 1500 रुपये वहाँ लगा देता तो फिर मुझे हो सकता है आगे पैसे की जो है शॉर्टेज हो जाती। बोट की तलाश में मैं इधर उधर भटक रहा था और गर्मी बहुत बढ़ चुकी थी, तब तक ह्यूमिडिटी भी बहुत बढ़ गई थी। इधर उधर जो है रेट मैं पूछने लगा, हर कोई जो है 1000 के ऊपर ही बात कर रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ चुका था कि मैं बैकवाटर्स में जा पाऊँगा। तो अचानक से मुझे जो है एक जेंटलमैन बोले कि बोटिंग करना चाहते हैं, तो फिर मैंने कहा कि ओके तो कितना चार्जेस है वगैरह। तो उन्होंने सबसे पहले 700 रुपीज़ मांगा, लेकिन फिर मैंने थोड़ा बहुत बार्गेनिंग किया, जो मुझे ज़्यादा करना नहीं आता है बार्गेनिंग, तो खैर 600 रुपीज़ में जो है वो मान गए। मैं बोट पे सोलो था, इस वजह से जो प्राइस है मेरे हिसाब से तो फेयर ही थी। राइड टोटल 2.5 घंटे का था। ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पवेलियन आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तो यहाँ पे जो बोट रेसेस आप देखते हैं केरला में होती हैं, तो ये यहाँ से यहाँ पे भी बहुत सारे बोट रेसेस जो है होती है। यहाँ का जो बाकी का व्यू है आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, ये देखिए काफ़ी अच्छी बोटें हैं इधर, हाउस बोट। मेरे पीछे जितने भी आप घर देख रहे हैं वहाँ पे कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बता रहे भाई साहब कि वहाँ पे जो भी रोड है बस ये वाटर ही है, उस पर नाव चला के लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। बारिश के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो राइज हो जाता है, तो इसलिए कनेक्टिविटी और ज़्यादा कम हो जाती है। तो थोड़ा सा इधर आप देखिए, ये देखिए जो घर वगैरह रिजॉर्ट है ये बाय द वे, और ये इधर घर है। अभी मैं जा रहा हूँ आलेपूजा बीच, और उससे पहले कहीं पे लंच करेंगे, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और ये एक रेस्टोरेंट नज़र आया है, तो वहाँ चलते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद चल पड़ा मैं एलेपी बीच की ओर। तब तक करीब 3:30 बज चुका था और गर्मी थोड़ी कम हो चुकी थी।
अलेपी बीच फोर्ट कोची बीच से बिल्कुल पलट था, क्योंकि ये बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही सीनिक बीच है। अगर आपको नहाना है समुंदर में तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर जगह है। पानी बहुत ही साफ था यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुकून मिल रहा है। सर मैंने टाइम लैप्स लगाया हुआ है। करीब 5 बज चुके थे और यहाँ से यानी कि एलेपी से कोची का रास्ता जो था वो करीब 1 घंटे का था। तो मैं एलेपी से निकल गया कोची की ओर, क्योंकि मैं अंधेरे में राइड करना अवॉइड करना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा लाइट रहते हुए मैं वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करके बताएं मुझे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।